हेलो किड्स, आई होप आपने अपनी एक्सरसाइज 14.1 अपनी नोटबुक्स में कर ली होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ एरिया। तो पहले तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, किसी भी एक क्लोज फिगर की बाउंड्री को अगर हम मेजर करते तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। बट अगर हम उसके अंदर की बात करें, जैसे ये मेरी एक क्लोज फिगर है, ठीक है, अगर मैं इसकी बाउंड्री ले रही हूँ तो वो तो मेरा पेरीमीटर हो गया। अगर मैं इसकी बाउंड्री ले रही हूँ तो वो मेरा पेरीमीटर है, ठीक है। अगर लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे इस अंदर का पोर्शन लेना है, ये कितना है ये वाला, तो मैं इसका लूँगी एरिया। अगर मुझे अंदर का लेना है तो मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एक अमाउंट ऑफ सरफेस, जितना अमाउंट सरफेस एक क्लोज फिगर ने ले रखा है, जैसे इसने इतना सरफेस ले रखा है तो इसलिए ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया की डेफिनेशन होगी। अब आते हैं रियल प्रैक्टिस, हमारे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे एरिया हमारे यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट होता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट अ रूम। अगर हमें बोला है कि एक अमाउंट ऑफ पेंट है जिसमें हमें कितना हमें पेंट यूज़ करना, अगर हमें पेंट करना है रूम तो हम कितना अमाउंट ऑफ पेंट यूज़ करें। अगर हमें वॉल्स करनी है, सीलिंग करनी है और विंडोज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया वॉल्स, वॉल का जो एरिया है सीलिंग का और विंडो का, इनका निकालेंगे और इनको पेंट कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ पेंट हमें आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पढ़ सकते हो, बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। जैसे पेरीमीटर में तो कुछ नहीं था, हम सिंपल सेंटीमीटर लगाते थे, बट इसमें हम स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में। ऐसे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज़ 1 square centimeter। स्टैंडर्ड एरिया जो होती है वो होता है 1 square centimeter, मतलब या तो ऐसे लिख लो और आप इसको 1 centimeter square ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ एन एरिया ऑफ हैविंग 1 each side। तो ये देखो यहाँ पे फिगर दे रखी है, इसने अंदर का शेड कराया था कि आपको पता चल जाए, और इसका 1 1 है अगर हर एक साइड, तो हम क्या करेंगे 1 into 1, तो उसके बाद हम 1 centimeter आ जाएगा। अगर मैं कहूँ इसकी ये n centimeter है, ये सारे n सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, n into n विच इज़ n centimeter square, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है 900 centimeter। द एरिया ऑफ अ फिगर इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इट टेक्स टू कवर अ सरफेस। एक एरिया फिगर के क्या होता है, जितने स्क्वायर यूनिट्स वो लेता है एक सरफेस को कवर करने। जैसे ये क्लोज फिगर है, अब इसने कितने स्क्वायर लिए हैं, हमारे जितने भी स्क्वायर लेंगे उतने ही हमारा एरिया, इसने लिए हैं 8, तो हमारा 8 centimeter square इसका एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ एरिया। मेजरमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मतलब जितनी बड़ी फिगर उतना ज़्यादा एरिया, जितनी छोटी फिगर उतना कम एरिया, ठीक है। जिसमें बोला है फिगर बी हैज़ लार्जर एरिया देन फिगर ए बिकॉज फिगर बी एनक्लोजेज अ लार्जर रीजन देन कंपेयर टू ए डज, मतलब वो ज़्यादा कंपेयर कर, इसमें उल्टा लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए ने सबसे ज़्यादा करा है, तो इसलिए हमारा ए जो है वो ज़्यादा एरिया होगा एज़ कम्पेयर टू बी से, ठीक है। बट अगर हम फिगर सी और डी में देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, ये वाला पार्ट ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको ईजी जो मेज़रमेंट है वो है ग्राफ पेपर। हम ग्राफ पेपर में इनको ड्रॉ करके देखेंगे और इन पे जितने भी बॉक्सेस होंगे हम उस हिसाब से करेंगे। जैसे देखो, ऑन अ ग्राफ पेपर एवरी यूनिट मेजर्स 1 into 1 centimeter, यानी 1 centimeter square होता है एक का, एक बॉक्स हमारा 1 centimeter square होता है। क्लियरली इट्स एरिया इज 1 centimeter square। ऑल्सो ईच स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 mm। अब देखो यहाँ पे एक जो बॉक्स है इसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो ये हमारे 10 small boxes होते हैं एक लाइन में, तो इसका 1 mm हो जाता है, 1 mm square हमारा एक
एक स्मॉल सबसे स्मॉल बॉक्स है उसका एरिया हो जाता है. देयरफॉर द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज 1 mm square. ठीक है, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ एयर क्लोज फिगर्स. क्लोज फिगर्स का निकाले इन्होंने, ये फिगर बनाई, यहाँ पे इन्होंने काउंट करा कितना है 30, तो एरिया क्या हो गया 30. फिर इसमें निकाला, इसमें काउंट करे आई 27, तो यहाँ पे 27 हो गया, इसमें 18 और इसमें आ गए 22. इजी हो गए. ठीक है, पर अगर हमें आगे ऐसी फिगर्स दे रखी हैं तो अब हम क्या करेंगे. द एडजॉइनिंग फिगर दो फिगर गेम इतना, सो इट इजी टू मैच द एरिया ऑफ दीज फिगर्स. जस्ट काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स एनक्लोज बाय फिगर एंड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1 cm square एंड द आंसर भी रहा. अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, हमने काउंट करे और इंटू वन करा और सीधे हमारा आंसर आ गया. बट इनमें तो हम पूरा, हमारे पूरे पूरे बॉक्सेज नहीं ले रखे, तो अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखो, we may also come across certain figures on graph paper that do not enclose all the unit squares completely. They may cover half portion of some unit squares, some less than and some more than half as shown in GF, GNH. हो सकता है कि वो ज़्यादा ले, एक से ज़्यादा बॉक्स ले, एक से कम ले, या फिर वो एक ही ले. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. To calculate the number of squares in figure that do not cover all the unit squares completely, you have to go by the following rules. हमें सारी फॉल रूल्स हैं इनको करने के लिए जब हमें पूरे स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं दे रखे. टेक द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर इज 1 square unit. एक बॉक्स का आप जो फुल स्क्वायर है उसका आप कितना एरिया ले लो, आप ले लो 1 unit square ले लो. ठीक है, 1 unit square. ठीक है, इन केस ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर शीट, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर शीट ले रहे हैं तो एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर विल बी 1 cm square. ठीक है, टेक द एरिया ऑफ मोर देन हाफ कवर स्क्वायर ऑल्सो एज 1 square unit. अगर हम एक से ज़्यादा, मतलब एक बॉक्स से ज़्यादा पार्ट ले रखा है तो उसको हम 1 ही लेंगे तब भी. ठीक है, टेक द एरिया ऑफ एन एग्जैक्टली हाफ कवर स्क्वायर इज 1/2 square unit. अब अगर उन्होंने कर रखा है, उसने एग्जैक्टली हाफ ले रखा है, जैसे एक बॉक्स है उसका उसने हाफ पार्ट ले रखा है कवर एग्जैक्टली, तो आप उसका 1/2 square unit ले लो. और जिन्होंने हाफ से भी कम ले रखा है उनको आप इग्नोर कर देंगे, हम उनको मानेंगे कि नहीं कि वो हमारे पास हैं. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इनका आंसर्स. पहले ये फिगर देखो, इसमें आपको 12 तो सिंपल स्क्वायर्स दे रखे हैं हमारे पास, 1 2. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ बस 12 बॉक्सेस सिंपल हो गए. अब हम हाफ हाफ वाले गिनते हैं क्योंकि इसमें हाफ वाले भी आते हैं, तो 12 तो सिंपल एक हो गए 12, फिर प्लस करेंगे हाफ है तो ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो मतलब हाफ इंटू 8 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16. मतलब इसका इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास 16 square unit है, या फिर 16 unit square. ठीक है, अब आता है ये वाली फिगर, क्योंकि ये तो आप सिंपल इनको काउंट करके लिख सकते हो. अब आती है ये वाली फिगर, इसमें इसमें भी वही करेंगे, पहले सेम ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे दोनों 9 10 11 12 13 14 15 एंड दिस 16. तो यहाँ पे 16 हो गए पहले, तो अब हाफ वाले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसमें भी 4 आ जाएगा, तो विच इज 20 square, इसका एरिया हो जाएगा. ठीक है, दोनों के एरिया हो गए. अब यहाँ पे आके हमारा यहीं पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म होते हैं. अब हमारे आते हैं एग्जैक्ट फिगर. तो फिगर देखो, पहले हमारा एक दो करा रही हूँ, उसके बाद बाकी सारे आपको खुद करने हैं. ये मैं दो करा रही हूँ, ए और सी. ठीक है, तो पहले देखो, ये तो हमारे पास हाफ से भी कम है तो इनको तो हम करेंगे इग्नोर. ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारा कैसा है, हाफ से हाफ ही, ये हाफ ही है हमारा, ये हाफ आ रहा है ना, ये हाफ दो पार्टमेंट कर रहा है, सिमिट्री बना रहा है ये, तो इसलिए हम इसको 0 नेम दे देते हैं. ये भी हाफ है तो इसको भी 0 दे देते हैं. ये मोर देन हाफ है तो 1 आएगा, यही मोर देन हाफ 1. ये आता है हमारे पास हाफ से कम है, ये वाला चीज, तो इसलिए हम इसको 0 देंगे, नहीं इसको हम कुछ नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे. मोर देन हाफ 1, ये इसका भी मोर देन हाफ आ गया 1 1 1
वन इग्नोर, ठीक है ये भी इग्नोर, फिर आता है वन 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 वन, ठीक है क्योंकि मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ मोर देन इनफ मोर देन इनफ मोर देन इनफ आएगा, ये इसको इग्नोर करेंगे हम, ये वाला हम इसको, ये हमारा इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं कि हमारा शायद इक्वल आ रहा है, ये तो इग्नोर करेंगे वाला चीज, ये वाला इग्नोर करेंगे, ये आएगा वन, ये इग्नोर होगा हमारा, ये इग्नोर होगा, ये वन, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये वाला भी इग्नोर होगा, ठीक है। अब इनको काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, तो एटीन तो प्लस दो हाफ हैं ये, और कोई हाफ तो नहीं है इसमें हमारे पास, तो टू हैं तो हाफ इंटू टू, तो हमारा वन और नाइनटीन आएगा इसका आंसर, ठीक है इसका आंसर आ गया 19। सेकंड क्वेश्चन और इसको एक बार देख लेते हैं, लेस देन हाफ है तो इग्नोर, ये भी लेस देन हाफ इग्नोर, लेस देन हाफ इग्नोर, ये मोर देन हाफ आ गया तो वन, ये भी वन, ये मोर देन हाफ आ गया वन, ये वन 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 हो जाएगा सारे, ये भी वन 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 है, ये भी सारे वन हैं, ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये इग्नोर, ये भी इग्नोर, तो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे करके आपको सारे सॉल्व करने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है खुद ही। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है यूजिंग अ ग्राफ पेपर, तो आप इनको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन आ रहा है, बट अगर मैं सिक्स इंटू थ्री कर दूँ, फॉर वाइज मैं एग्जाम्पल लगा एक वो लगा देती हूँ इसमें, एक इसमें मैंने लगाया है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है सिक्स और ब्रेथ कितनी है थ्री, तो सिक्स इंटू थ्री एटीन और काउंट करके भी एटीन, तो मतलब फॉर्मूला इज़ करेक्ट। तो इसमें भी फोर सेवन इंटू फोर हो जाएगा, इसमें भी फोर इंटू फाइव हो जाएगा, ऐसे करके सारा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या आ गई, फिर लेंथ कैसे निकालोगे, एरिया के ऊपर ब्रेथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में, तो एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ, जो निकालना है वो हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। बस यहीं तक पढ़ाऊँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तक, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक्सरसाइज 14.2 करनी है अपनी कॉपी में, ध्यान से इनको काउंट करके अच्छे से करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी कुछ नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह साइड इंटू साइड आ जाएगा, तो साइड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साइड इंटू साइड, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, मतलब टू साइड इंटू साइड आ जाएगा फॉर्मूला साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए स्क्वायर, तो ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, एक्सरसाइज 14.2 करनी है और अच्छे से समझना है एरिया का कॉन्सेप्ट होता क्या, और ये एप्लीकेशंस भी आपको रीड करनी है। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू सो मच, कंप्लीट योर नोटबुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, थैंक यू।